जहाँ तक कौम की बात करते हैं एमआईएम पार्टी, तो यहाँ पर जेडीएस के कैंडिडेट भी सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं, तो फिर वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा देखने कैंडिडेट सीएम इब्राहिम साहब के हो या कांग्रेस के हो या जनता दल के हो या बीजेपी के हो, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है। मेरी पार्टी जो भी फैसला देंगी, मेरी पार्टी के सदर साहब फैसला देंगे कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है कहाँ ना। हर जगह का डाटा जनाब मोहिद्दीन कौसर साहब कलेक्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द कायद मोहतरम के पास ये डाटा जाएगा। इलेक्शन के लिए जहाँ से भी सदर मोहतरम उम्मीदवार को ठहरा करने का फैसला देंगे वहाँ खरीब में सदर मोहतरम ऐलान करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, MD Lee's Premium Cakes and Desserts. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab. Sabse pehle main janab Kausar Mohiuddin sahab jo Karwan MLA hain, Naqib e Millat Barrister Asaduddin Awaisi sahab ek delegation यहाँ पे कंफर्म करने के लिए भेजे थे कि भाई यहाँ के हालात कैसे हैं। जैसा कि जनाब मोहिद्दीन कौसर साहब और जनाब कर्नाटका इंचार्ज सलीम साहब मुबीन साहब और बिदर डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब मुन्ना साहब और हमनाबाद तालुक के सदर यासिन साहब, यादगीर डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब करीम साहब, इन तमाम लोगों को कायदे मोहतरम के डायरेक्शन पे हर जगह का डाटा जनाब मोहिद्दीन कौसर साहब कलेक्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द कायदे मोहतरम के पास ये डाटा जाएगा। उसके बाद वहाँ से नक़ीब ए मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ से ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। हम तमाम बिदर डिस्ट्रिक्ट के, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और यादगीर डिस्ट्रिक्ट के तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस मरतबा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर एक नई तारीख रकम करें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब ए मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, बिदर डिस्ट्रिक्ट और हमनाबाद टाउन मुख्तलिफ हलखजात का सर्वे के लिए हमको बताए थे और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमनाबाद हो या बिदर हो या गुलबर्गे के अंदर चंद कॉन्स्टिट्यूएंसी के ताल्लुक से तफसीली सर्वे की रिपोर्ट ली गई और इंशाल्लाह इन तमाम रिपोर्ट को सदर मोहतरम जनाब नक़ीब ए मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पास बताएंगे और मैं समझता हूँ जैसा कि रिपोर्ट बताने के बाद सदर मोहतरम जनाब नक़ीब ए मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इलेक्शन के लिए जहां से भी सदर मोहतरम उम्मीदवार को ठहरा करने का फैसला लेंगे वह अनखरी में सदर मोहतरम ऐलान करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब अब्दुल रहीम साहब और बिदर डिस्ट्रिक्ट के जनाब मुन्ना साहब और मजलिस के तमाम जिम्मेदार हमनाबाद के और दीगर जगह से आए हुए और मेरे साथ आए हुए कर्नाटक के इंचार्ज जनाब मोहम्मद सलीम साहब, जनाब मुबीन साहब और इन तमाम के साथ में आज कई जगह पर तफसीलात रिपोर्ट लेने के बाद इन तमाम रिपोर्ट को सदर मोहतरम जनाब नक़ीब ए मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पास इन तमाम रिपोर्ट को दिया जाएगा। उसके बाद सदर मोहतरम का जो फैसला होगा अनकरीब में सदर मोहतरम ऐलान भी करेंगे। मैं समझता हूँ जहाँ से इलेक्शन लड़ना है सदर मोहतरम इंशाल्लाह करीब में लड़ेंगे। अभी हमनाबाद से सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो अभी होने वाला है क्या, फिर उसका डिक्लेयर कर रहे हैं क्या है? नहीं, ये तमाम जहाँ पर भी ऐलान करने का है सदर मोहतरम जनाब नक़ीब ए मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने ऐलान करेंगे, चाहे वो हमनाबाद का हो या गुलबर्गा का हो या बिदर का हो। कर्नाटक के अंदर तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन क्या तैयारी है आपके पास इलेक्शन लड़ने? तैयारी बहुत कुछ है हमारे पास, हमारा फील्ड वर्कर है हमारे पास, तमाम चीज़ें हैं हमारे पास, चाहे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हो या बिदर डिस्ट्रिक्ट में हो या जहाँ पर भी हमारा हमनाबाद हो, हमारा वर्कर है, हमारे तमाम लोग हैं। जी, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी एमआईएम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं
वहाँ पे कोई कामयाबी नहीं मिल रही। तो इस बार कर्नाटक में भी ऐसे ही होता है कि कुछ कामयाबी नहीं मिलेंगे, ऐसे बाहर से बातें हो रही है कि MIM जहाँ भी जाती है तो BJP वहाँ पे जीत पाती है। सब ये सब बेकार बातें हैं। और कई जलसों में कई जगह पर डिपीट में सदर मतम जनाब नखे में मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने बताया कि इलेक्शन कामयाबी और नाकामयाबी अल्लाह के हाथ में। कई मरतबा आप लोग मीडिया वाले सवाल करें उसका जवाब भी सदर मतम कितने जगह कराने का प्लान है कैंडिडेट्स क्या वो ऐलान करेंगे सदर मोहतरम MP साहब ऐलान करेंगे सदर साहब ऐलान करेंगे कर्नाटक में कितने सीटों पर लड़ेंगे कहाँ लड़ेंगे क्या लड़ेंगे एज ए पार्टी इंचार्ज आपका यहाँ से वो तो फैसला सदर मोहतरम लेने वाले हैं। हम रिपोर्ट दे देंगे उसके बाद आखिरी में ऐलान करेंगे। अभी हमनाबाद में तो आप जस्ट अभी हमनाबाद में हैं। हमनाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने में आती है कि इमरान खान साहब है फिर यासिन साहब है इनकी एक्टिविटी है। तो जहाँ तक कौम की बात करते हैं MIM पार्टी तो यहाँ पर JDS के कैंडिडेट भी CM इब्राहिम साहब के बेटे हैं। तो फिर वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखने में कैंडिडेट CM इब्राहिम साहब के हो या कांग्रेस के हो या जनता दल के हो या BJP के हो ये तमाम चीज़ अपनी जगह पर है। मेरी पार्टी जो भी फैसला देंगी मेरी पार्टी के सदर साहब फैसला देंगे कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है कहाँ नहीं। कर्नाटका में और बिलखसूस कल्याण कर्नाटका में किन इश्यूज़ पर पार्टी जो है इलेक्शंस में जाने का तय करी है इस बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है अभी वो भी करना है। वो तमाम चीज़ें फैसला लेना और किसके ऊपर कैसा करना वो सदर साहब लेंगे। सर आज खसूसा आज आने का उद्देश्य क्या है सर हमनाबाद का? सिर्फ हमनाबाद के लिए नहीं आए हम लोग, भीतर के लोग भी हैं हमारे पास, गुलबर्गा के भी हैं और दीगर जगह के भी हैं, यादगीर के भी हैं, तमाम जगह के हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हुए। इन तमाम जगह पर हमारे सर्वे के लिए गए थे, इन तमाम जगह की सर्वे रिपोर्ट भी लिए, आज की रिपोर्ट पूरी सदर साहब। क्या क्या देखने में आया सर सर्वे में क्या देखने में आया? वो तो साहब को बताएंगे, साहब बताएंगे आपको, मीडिया को बताइए कैसा है क्या है सर्वे में। आपको लगा होगा कि पब्लिक का क्या चल रहा है, किसके तरफ में क्या हो रहा है क्या? पब्लिक का तो सीधे मालूम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक हमारी जमात के साथ में, पार्टी के साथ में। हम जहाँ भी जाके सर्वे करें अल्हम्दुलिल्लाह जमात को चाहने वाले हैं, सदर मोहतरम को चाहने वाले हैं, अकबरुद्दीन अवी साहब को चाहने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल का आप हम जवाब चाहते हैं कि BJP की बी टीम बोल के माना जाता है MIM को, तो आप किस नज़र से देखते हैं? वो बोलने वाले बोलते रहते हैं सर, लेकिन आप क्या बोलते? हमारे को कोई ताल्लुक नहीं सर। खुसूसन कुछ दिन पहले MIM के स्टेट प्रेसिडेंट से CM इब्राहिम साहब मुलाकात करे, कहीं ना कहीं MIM वो डर से JDS के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कर्नाटक में इलेक्शन लड़ रही है। किसी के ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं हमारे को, हमको इलेक्शन तना लड़ते कई जगह पर लड़े। पिछले कुछ दिनों से BJP की तरफ से जो है खास करके इश्तियाल अंगेज बयान काफ़ी ज़्यादा जो है राइज हुए हैं, जैसे अतलाल का जो हो जो अकबर अवैसी साहब को बहुत ही अनपार्लियामेंट्री तो खैर उसके लिए छोटा वर्ड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक बहुत ही गंदी लैंग्वेज में अकबर अवैसी साहब के खिलाफ में स्टेटमेंट दिया है। फिर उसके अलावा टीपू शहीद हो, आज ईश्वरप्पा का स्टेटमेंट एक आया है कि अजान सुनकर सिर में दर्द होता है, इस तरह से किस माहौल को जो है कम्युनलाइज करने की, क्योंकि BJP जो है कम्युनल एजेंडे पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, तो मजलिस का उसको लेकर के क्या रवैया है, क्या उनके कम्युनलिज्म को काउंटर करा जाएगा या कम्युनलिज्म को कम्युनलिज्म के जरिए तमाम चीज़ों के लिए सदर मोहतरम जो हाल एक महीना पहले जो पार्लियामेंट सेशन चला उसके अंदर बताए थे, तफसीलात बताए थे, और इंशाल्लाह आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ फिर पार्लियामेंट के अंदर सदर मोहतरम बताइए, और ये BJP हो या दीगर पार्टियां हो ये कम्युनलिज्म पे इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं। लेकिन जो यतनाल जिस अंदाज में अकबर साहब को जो उसका जवाब है यतनाल का जवाब सदर मोहतरम दिए सर, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज में रख रहे कि सर कुछ आप जवाब नहीं दे रहे तो फिर यहाँ पे आना प्रेस मीट करना फिर आप सब सदर साहब के ऊपर रख रहे? पार्टी प्रेजिडेंट के ऊपर रखेंगे ना, पार्टी प्रेजिडेंट के ऊपर रखेंगे, जो भी रहेंगे पार्टी प्रेजिडेंट ही रखेंगे डिसीजन। खासकर हमनाबाद के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमनाबाद के आवाम को ये मैसेज देना चाह रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब के अंदर सदर मोहतरम का जो भी फैसला आएगा उसके ऊपर लब्बाई करते हुए, जो भी कैंडिडेट रहेंगे लब्बाई करते हुए सदर मोहतरम के हुक्म के ऊपर हर कोई, या मैं हो मेरी जमात के टाउन के प्रेजिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हो तमाम के तमाम काम करिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, MD Lee's प्रीमियम केक्स एंड डिजर्ट्स।